आज हमारे पास है 1282, E1282। इसमें डिस्प्ले में ग्राफिक्स नहीं आ रहा है, तो आज देखेंगे इसका फॉल्ट क्या है। LCD 3-4 बार चेंज करके भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, तो देखेंगे इसका फॉल्ट क्या है। पहले इसका लाइन चेक करेंगे, यही प्रॉब्लम मैंने पहले भी किया है। तो इसका जो 5 नंबर पिन है, उसका सप्लाई आउट होता है मैक्सिमम। इसमें कुछ भी नहीं है। 5 नंबर जूम करो, मेरा पास दूसरा बोर्ड है, इसमें देखेंगे 5 नंबर पिन में कुछ है कि नहीं। इसमें है, ये लाइन है, मीटर में दिखाओ। इसमें है, तो ऑलरेडी मैंने जम्पर किया हुआ है, देखेंगे ये लाइन कहाँ से आ रहा है। तो ये जो लाइन है यहाँ से आ रहा है। ठीक है, जूम करो, यहाँ जूम करो। इस पॉइंट से आ रहा है, यहाँ का जो पॉइंट है, यहाँ जंपरिंग करेंगे, उसके बाद देखेंगे सॉल्यूशन इसका हो रहा है कि नहीं। इस टाइप के प्रॉब्लम के लिए आपके पास रेफरेंस के लिए बोर्ड होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो दिक्कत है। अभी इसमें देखेंगे 5 नंबर पिन में कुछ आया कि नहीं। 1, 2, 3, 4, देखिए आ गया। मैं जूम करके दिखाओ, ये वाला जम्पर। अभी देखेंगे LCD लगा कर।
कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं, शायद आ जाएगा। देखिए इसका डिस्प्ले आ गया, ठीक है। तो आपके पास रेफरेंस बोर्ड होना चाहिए। यहाँ तो 5 नंबर पिन का लाइन आउट था, हो सकता है कि दूसरा वाला कुछ मोबाइल में दूसरा कोई पॉइंट आउट होगा, तो यहाँ से जंपरिंग करके आप ढूंढ सकते हैं, जैसे मैंने ढूंढ लिया। तो कोई भी मॉडल, कोई भी मोबाइल LCD चेंज करने के बाद अगर नहीं आया तो देखना होगा लाइन, कौन सा लाइन आउट है। इसके लिए आपका रेफरेंस बोर्ड बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं है, आपके पास नहीं है, तो डायग्राम से आप कोशिश कर सकते हैं। देखिए आ गया, मैंने 4-5 LCD चेंज करके भी इसमें सक्सेस नहीं पाया, इसीलिए मैंने देखा कि शायद इसमें कोई लाइन आउट है। इस तरह की वीडियो पाने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और देखने के लिए धन्यवाद।